good morning dear students welcome to staying at home study program this is a science lecture for class 6 here i am sarjeet kaur to deliver this lecture and today we will cover our two lectures because uh, yesterday uh, due to some inconvenience i could not be able to upload your work today we will uh, do our टू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर मीन्स टू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर राइट सो लेट्स कंटिन्यू आवर सेकेंड सेशन ऑफ दिस चैप्टर सो आज हम करेंगे प्रोपिगेशन ऑफ लाइट लास्ट चैप्टर में हमने किया था डायमेंशंस ऑफ लाइट कि कौन सा कौन सा ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट है कौन सा ट्रांसकुलेंट एंड कौन सा ओपेक है कौन से में फुल लाइट ट्रांसफर कर जाती है दैट कॉल्स द ट्रांसपेरेंट जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसफ़र करती है मींस अलाउ करती है टू ट्रांसफ़र दैट इज़ नोन एज ट्रांसकुलेंट एंड जिसमें से बिल्कुल भी लाइट अलाउ uh, नहीं होती टू पास दैट इज़ नोन एज द ओपेक सिस्टम टूडे वी विल फर्स्ट डू प्रोपिगेशन ऑफ लाइट राइट वो कैसे प्रॉपोगेट करती है मीन्स वन प्लेस से दूसरे सेकेंड प्लेस पर जाने के लिए वो कैसे प्रॉपिगेट करती है राइट सो लेट्स टू प्रोपिगेशन ऑफ लाइट देखो ये एक लाइट की रे है यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये लगा एरो शो किया है कि यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ये है यहाँ से हमने कोई भी लेट्स पोस्ट टॉर्च को ऑन किया राइट right? यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट कैसे प्रॉपिगेट करेगी राइट सो वी विल डू विथ सम एग्जांपल्स सो लेट्स स्टार्ट एज वी स्विच ऑन द बल्ब जैसे हम बल्ब के स्विच ऑन करते हैं द रूम बिकम इल्यूमिनेटेड इंस्टेंटली पूरे का पूरा जो रूम होता है हमारा एकदम से रोशना ज़्यादा एल्यूमिनेट हो जाता है राइट दिस प्रूफ दैट लाइट ट्रेवल वेरी फास्ट इससे यही पता चला कि लाइट बहुत ही फास्ट स्पीड से प्रॉपिगेट कर रही है मूव कर रही है राइट right? ट्रैवल कर रही है जो हमने इंस्टेंटली विद इन फ्यू सेकेंड जो हमारा रूम होता है पूरे का पूरा वो क्या हो जाता है पूरे के पूरे रूम में लाइट आ जाती है मीन्स लाइटनिंग हो जाती है द मूमेंट ऑफ लाइट जो लाइट की मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं इस कॉर्ड द प्रॉपिगेशन ऑफ लाइट जो लाइट वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रही है ट्रेवल कर रही है राइट मोमेंट ऑफ द लाइट इज कॉल्ड प्रोपिगेशन ऑफ लाइट जनरली लाइट प्रोपिगेट इन स्ट्रेट लाइन ज़्यादातर क्या होता है जो हमारी लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपिगेट करती है ए स्ट्रेट लाइन ऑन विच प्रोपिगेशन ऑफ लाइट एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड अ रे राइट right? यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया कि रे ऑफ लाइट क्या है ये रे ऑफ लाइट मीन्स जो स्ट्रेट लाइन में हमारी लाइट ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसको क्या कहते हैं रे राइट right? क्या कहते हैं उसको रे कहते हैं राइट right? अब बंडल ऑफ सच रेस जो बहुत सारी देखो यहाँ पे तो एक ही रे थी और यहाँ पे बंडल ऑफ रे है एक वन टू थ्री आप काउंट करो बहुत सारी मल्टीपल मैनी रेस यहाँ कर ट्रेवल करी है उसको क्या कहते हैं बीम सो so, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि रे क्या होती है so, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे जो लाइट है हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है उसको रे कहते हैं राइट right? जब एक से ज़्यादा मोर देन वन रे इट कैन बी हंड्रेड थाउजेंड लैक्स राइट वो इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है दैट वी विल डू इन द हायर क्लासेस मल्टीपल रेस हम यही कहेंगे यहाँ पे जो मल्टीपल रेस स्ट्रेट लाइन में प्रॉपिगेट कर रही है बंडल ऑफ रेज उनको क्या कहते हैं बीम क्या इस पूरी पूरी चीज़ को हमने क्या कहा बीम ऑफ लाइट एंड दिस इज अ रे ऑफ लाइट क्या कहा इसको रे ऑफ लाइट राइट अ लाइट रे इज रिप्रेजेंट बाय एरो ये ज़रूरी है बेटे अगर लाइट इस डायरेक्शन में प्रॉपिगेट कर रही है देन वी हैव टू प्लेस एरो इन दिस डायरेक्शन इट इज प्रोपेटिंग इन दिस लेफ्ट इस साइड पे जा रही है देन एरो इस साइड पे हमें शो करने होंगे राइट right? कैसे अगर इस साइड पे जा रही है देन वी विल मेक एरो दिस साइड राइट right? समझ में है इस साइड पे हमें एरो को बनाना होगा राइट सो द हेड ऑफ द एरो टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपिगेशन ऑफ लाइट लाइट की जो प्रॉपिगेशन है उसकी डायरेक्शन बताया गया कि वो लेफ्ट एंड कौन सी साइड पे कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है राइट मूव टू नेक्स्ट बीम्स ऑफ लाइट इसके बारे में तो हमने स्टडी कर लिया अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बीम बीम की कुछ टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे राइट right? लाइट है जो हमारी प्रोपिगेट करेगी इन द स्ट्रेट लाइन कैसी कैसी डायरेक्शन कैसी उसमें जाएगी स्ट्रेट लाइन में राइट right? क्या करेगी वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी देन कैसे स्ट्रेट लाइन तो ऐसी होती है और जिग जग कैसी होती है ऐसी होती है जो हमारी लाइट है वो ऐसे नहीं जाएगी ऐसे जाएगी ठीक है so, सो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कॉन्करेंट के बारे में सॉरी कन्वर्जेंट के बारे में डाइवर्ट एंड डाइवर्जेंट एंड पैलल सबसे पहले तो आपने ये वर्ड पैलल सुना होगा अभी तक ये वर्ड्स आपने मे बी ना सुने हो एंड जो पैलल वर्ड पैलल वर्ड है वो आपने सुना होगा राइट पैलल पैरेलल लाइन को अरेंज करो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना जो आपकी पैरेलल लाइंस है उसके साथ आपकी पोजीशन को मैच करो पैरेलल क्या होती है देखो वन स्ट्रेट लाइन ये आ रही है ये ही आ रही है थर्ड ही आ रही है ये एक दूसरे के पास से स्ट्रेट लाइन में जा रही है और एक दूसरे को कट नहीं कर रही राइट right? इनका इनिशियल पॉइंट मे बी नॉट इक्वल बट दे नेवर मीट टू ददर लाइन ऐट एनी पॉइंट ये एक दूसरी को कहीं पे भी कट ऑफ नहीं करेंगी मीन्स क्या मीनिंग है इसका कि लेट सपोज ये लाइन जा रही है राइट एक ये लाइन जा रही है इसका मीनिंग क्या है कि आगे तक ऐसे स्ट्रेट जाएगी और ये ऐसे करके कट नहीं करेगी समझ में आया मीन्स जो ये मैंने बीच में से लाइन लगा दी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा स्ट्रेट लाइन की मीनिंग क्या है कि वो स्ट्रेट ही जाएगी समझ में आया कि एक एक जो रे है वो दूसरी रे के साथ दूसरी रे को कट नहीं करेगी राइट सो नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट कौन सी है डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट बीम कौन सी होती है एक सिंगल पॉइंट से जब लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होती है उसको कहते हैं डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट वीम राइट जब एक सिंगल पॉइंट से लाइट ट्रांसमिट होती है इन मैनी डायरेक्शन्स डैट कॉल्स द डाइवर्जेंट एग्जाम्पल क्या आ गई इसकी अब टॉर्च को ऑन करो आप लोग न अंधेरे में जब वहाँ पर कहीं पर भी डार्कनेस हो अपने रूम के अंदर लाइट ऑफ करना देन आप देखो के आपने अपनी टॉर्च को ऑन किया टॉर्च को ऑन करोगे तो लाइट बहुत ही मतलब वाइड स्प्रेड हो जाएगी ना पूरे काफ़ी सारा मीन्स हम ये नहीं कह सकते उसकी इंटेंसिटी जो उसकी लाइटनिंग की इंटेंसिटी है वो एक लाइटनिंग बल्ब के कुल है मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है जब आप टॉर्च से लाइट ऑन करोगे देन वो क्या होगी पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाएगी सिमिलर हम एग्जांपल लेते हैं बल्ब की जो हमारे रूम्स में लगे होते हैं लाइट तो एक सिंगल पॉइंट से ही आ रही है बल्ब से ही आ रही है वो एक सिंगल पॉइंट हो गया क्या हो गया वो एक सिंगल पॉइंट हो गया उसकी हेल्प से पूरे रूम में लाइट क्या हो जाएगी स्प्रेड आउट हो जाएगी दैट कॉल्स द डाइवर्जेंट बीम उस बीम को क्या लाइटनिंग की जो बीम है उसको क्या कहा जाएगा डाइवर्जेंट बीम राइट नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट बीम कन्वर्जेंट बीम कौन सी होती है जो डाइवर्जेंट है इसके बिल्कुल अपोजिट होती है राइट डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट एक सिंगल पॉइंट पे कलेक्ट होगी एक सिंगल पॉइंट पे जाके वो पूरी की पूरी जो हमारी बीम आ रही है रेज की लाइट की बीम आ रही है वो एक ही पॉइंट पे जाके रुक जाएगी राइट मींस क्या है कि वो दूसरे पॉइंट की जैसे हमारे बल्ब में एक पॉइंट से पूरा रूम रोशन रहा था राइट इसमें उल्टा होगा पूरी जो डायरेक्शन से आ रही है लाइट वो एक प्लेस पे कलेक्ट कर जाएगी राइट फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अपनी सोलर पैनल्स देखिए जिससे लाइट बन रही है अभी के टाइम में हमारे घरों की रूप पे होते हैं देखो सन कितना बड़ा है राइट सन के डायरेक्शंस में सन से जो रेज आ रही हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के भी आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रही वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ गए एक हमारी जो प्लेट है सोलर पैनल की उसके ऊपर में स्ट्राइक करेगी राइट वो एक पॉइंट में आ रही है मींस उस पैनल को हमने एक सिंगल पॉइंट ले लिया उस पर आके पूरी की पूरी पूरे इन्वामेंट की रेज है कोई नाइन्टी डिग्री से आएगी पूरी थर्टी से कोई सिक्सटी से कोई वन वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री से सो so वो इस एंगल से डिफरेंट दिफ्रें, डिफरेंट एंगल से आके हमारे पैनल के ऊपर स्ट्राइक करेगी राइट उसको क्या कहते हैं कन्वर्जेंट बीम राइट मूव टू नेक्स्ट सो अब आपने आइडेंटिफाई करना है हमने थ्री बीम्स के बारे में स्टडी किया राइट right? अब ये बताओ ये कौन सी कौन सी बीम है जो एक दूसरे को मैच नहीं करती कहीं पर भी जाके देट इज नोन एज पैल बीम राइट जो एक सिंगल पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है दैट कॉल्स द डाइवर्जेंट बीम राइट जो सिंगल पॉइंट पे आके जो कलेक्ट हो रही है दैट इज़ नोन एज द कन्वर्जेंट बीम राइट सो दिस इज वन लेक्चर ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट यहाँ पे हमारा प्रोपिगेशन ऑफ लाइट जो है वो फिनिश हो गया नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन शेडो एंड पार्ट्स ऑफ द शेडो राइट right? ये करेंगे शेडो क्या होती है एंड पार्ट ऑफ द शेडो सो यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हो वट डू यू सी इन द पिक्चर ये क्या है किसकी इमेज है जो डार्क ब्लैक में है, ये वाली डॉग की पिक्चर है और ये नीचे में क्या बन रहा है ये डॉग तो यहाँ पे स्टैंड नहीं है ये क्या है ये क्या बन रहा है ये बताओ मुझे जब आप धूप में थोड़ा सा स्टैंड करते हो थोड़ा सा वहाँ पे आपकी भी ऐसी ऐसी आपके नीचे अर्थ पे एक इमेज बन जाती है वट दैट कॉल्स क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं इसका शेडो क्या कहते हैं उसको शेडो अब डॉग तो यहाँ पे स्टैंड कर रहे है। ये जो इसकी रिवर्स इमेज यहाँ पे बन रही है रिपल का इसका बन रहा है दैट कॉल्स द शेडो ऑफ द डॉग राइट ये डॉग है हमारा ये इसकी क्या है शेडो है राइट सो क्या होती है शेडो कैसे बनती है शेडो इज फॉर्मड बैन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लाइट का पाथ है वो क्या हो जाता है ब्लॉक हो जाता है मींस उसके आगे लाइट नहीं जा रही लाइट पास नहीं हो रही देन क्या होगा देयर विल बी नो लाइट वो क्या होगा देन एज लाइट कैनोट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं हमने फर्स्ट सेशन में किए थे जिसमें से बिल्कुल लाइट क्या होती है जीरो परसेंट लाइट ट्रांसफर होती है राइट right? पास होती है उसको क्या कहा था हमने ओपेक ऑब्जेक्ट जब ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट का पाथ ब्लॉक किया जाता है देन उसके उस एरिया से उस स्क्रीन से आगे लाइट पास नहीं हो रही देन क्या होगा इट अपियर डार्क एंड इज नोन एज शेडो लेट्स पोज यहाँ पे एग्जांपल के साथ मैंने बता रही हूँ कि हमने टॉर्च लाइट ली राइट right? टॉर्च ली उसकी लाइट ऐसे पड़ रही है देन हमने हम उसके आगे खड़े हो गए राइट right? उसके आगे हमने उसका पाथ है जो लाइट का उसको क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया मीन्स उसके आगे हम खड़े हो गए राइट right? देन हमारे ही एक ऐसी इमेज जो वॉल के पास चार्ट के ऊपर में ये पड़ जाएगी राइट तो इसको क्या कहेंगे हम इट अपीयर डार्क एंड इज नोन इज कॉल्ड एज द शेडो समझ में आया शेडो कैसे फॉर्म होते हैं पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक बाई अपेक ऑब्जेक्ट अपेक ऑब्जेक्ट की वजह से जब पाथ ब्लॉक हो जाता है एज लाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट के थ्रू तो जो लाइट है वो पास नहीं होगी देयर विल बी नो लाइट सीन इन द एरिया ऑफ द स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर में कोई भी लाइट शो नहीं होगी और वहाँ पे एक डार्क ऑब्जेक्ट अपीयर होगा दैट कॉल्स द शेडो इट इज सिमिलर टू द शेप ऑफ अपेक ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट ने वहाँ पे लाइट को ब्लॉक किया है उसी की ही शेडो बन जाएगी बिल्कुल इन द अब केस यहाँ पे क्या था एक एथलीट की है एक पर्सन की है वो वहाँ से क्या कर रहा है उसने अपेक ऑब्जेक्ट है राइट वेन देयर इज अ चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द अपेक ऑब्जेक्ट एंड लाइट सोर्स द साइज ऑफ शेडोज चेंज जैसे दूर है ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा है राइट तो यहाँ पे क्या है इसका डिस्टेंस लेट्स सपोज ज़्यादा है लार्ज है देन ये क्या होगी कम होगी जब छोटा हो गया इसका जो शेडो होगा जब इसके पास आएगी न नहीं शेडो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा उसकी शेडो की पोजिशन चेंज हो जाएगी राइट सो लेट्स नेक्स्ट एस ओपेक ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स एंड स्क्रीन आर रिक्वायर्ड फॉर द शेडो टू बी परफॉर्म्ड वहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए था हमें शेडो परफॉर्म करने के लिए लाइट सोर्स चाहिए था हमारे पास टॉर्च थी कोई स्क्रीन चाहिए थी मीन्स जैसे हमने दीवार ले ली हमारी बॉल ले ली रिक्वायर्ड फॉर द शेडो टू फॉर्म द शेप एंड साइज ऑफ शेडो ऑल्सो डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन तीनों की जो साइज है शेडो का शेप है वो उसके ऊपर में डिपेंड करेगी राइट व्हेन द पोजिशन ऑफ स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट रिमेन फिक्सड द पोजिशन ऑफ लाइट सोर्स वेरी Live, हमने क्या किया कि हमने एक स्क्रीन ले ली लेट्स सपोज हमने स्क्रीन ले ली हाँ वहाँ पे हमने लाइट प्रोजेक्टर हमने स्कूल में हम प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं ना देन क्या होता है उसकी लाइट है जो प्रोजेक्टर की वो हम वाइट कलर की जो स्क्रीन लगा देते हैं वाइट बोर्ड हम उसकी स्क्रीन को ले लेते हैं राइट right? देन अगर उन दोनों की uh, किस किस की पोजिशन अब स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट की हम फिक्स कर देते हैं लेकिन हम लाइट सोर्सेज की जो प्रोजेक्टर है हमारा हम उसकी एग्जाम्पल एरियो में उसको वेरी कर देते हैं देन क्या होगा इट बिकम लार्जर वो लार्ज हो जाएगी शेडो जो ऑब्जेक्ट बीच में स्टैंडिंग पोजिशन में है इफ़ द लाइट ऑफ द लाइट सोर्स इज नियर टू द ऑब्जेक्ट अगर उस ऑब्जेक्ट के पास में लाइट आ जाएगी देन क्या होगा जो शेडो है वो लार्ज हो जाएगा एंड शेडो बिकम स्मॉलर अगर हम उस ऑब्जेक्ट से लाइट को दूर ले जाएंगे अबे ले जाएंगे राइट फॉम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट देन क्या हो जाएगा शेडो स्मॉलर हो जाएगा वैन द पोजिशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन फिक्स द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी यहाँ पे हम क्या करें पहले में हमने क्या किया था स्क्रीन और ऑब्जेक्ट की पोजिशन थी उसको फिक्स किया था लाइट सोर्स को क्या किया था वेरी किया था चेंज किया था लेकिन अब हम क्या करेंगे वेन द पोजिशन ऑफ सोर्स लाइट सोर्स मीन्स स्क्रीन को फिक्स कर देंगे लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसको वेरी कराए करेंगे देन द शेडो गेट बिगर वेन ऑब्जेक्ट इज मूव मूवड क्लोजर टू द लाइट राइट वही चीज़ आ गई यहाँ पे भी अगर हमने लाइट सोर्स को फिक्स कर दिया लेकिन लाइट सोर्स और स्क्रीन को फिक्स कर दिया जो ऑब्जेक्ट इनके पाथ को ब्लॉक कर रहा था, उसकी पोजीशन को वेरी कर दिया अगर वो लाइट सोर्स के क्लोज जाता है देन क्या होगा शेडो क्या होगा बिगर हो जाएगा एंड uh, जब वो ऑब्जेक्ट अवे हो जाएगा मूव्ड अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स देन वो स्मॉल हो जाएगा राइट right? मीन्स जो उनके डिस्टेंस है लाइट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट दे डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द शेडो ऑन द स्क्रीन अगर वो लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस कम है डिस्टेंस कम है देन ऑब्जेक्ट का शेडो है वो बड़ा हो जाएगा अगर इनका डिस्टेंस ज़्यादा है देन शेडो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा राइट सिमिलर द हाइट ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जेक्ट अफेक्ट द साइज ऑफ शेडो उनके हाइट लाइट सोर्स की हाइट कितनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है वो भी इस पर इफेक्ट डालेगी राइट डिफरेंट पार्ट ऑफ द शेडो इन जनरल शेडो इन जनरल शेडो हैज़ टू पार्ट्स उम्बरा एंड पेन उम्बरा ये टू टाइप के जो हमारी शेडो बनती हैं उम्रा इज द डार्क पार्ट ऑफ द शेडो वियर लाइट इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड उम्बरा कौन सा होता है कौन सा आ, शेडो होता है जहाँ पे पूरे का पूरा जो लाइट का पाथ है वो ब्लॉक कर दिया जाता है राइट right? पेनम्ब्रा क्या होता है पार्ट वेयर ओनली अ पोर्शन ऑफ लाइट इज अब्स्ट्रेक्ट यहाँ पे कुछ एक लाइट का पार्ट क्या कर दिया जाता है ब्लॉक कर दिया जाता है देन इन द गिवन फिगर द एरिया बिटवीन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट अब हम कहते हैं इसके कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम तो यहाँ पे क्या है लाइट सोर्स ये एक टॉर्च है उसकी लाइट सोर्स है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है राइट right? क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट है राइट right? जो इस पाथ को क्या कर रहे हैं ब्लॉक कर रहे हैं राइट right? जब हमने क्या किया था कि पैन उम्र कौन सा होता है जो कंप्लीटली पाथ को ब्लॉक करता है और पेनुम्ब्रा कौन सा होता है जिसमें लाइट का कुछ पोर्शन ब्लॉक होता है और बाकी की लाइट वहाँ से पास होती है राइट यही था ना सो so, यहाँ से जो लाइट को कम्प्लीटली इस पार्ट में देखो ये ये वाले पार्ट में कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया लाइट को राइट इस पार्ट में कम्प्लीटली ब्लॉक कर दी गई देन इट इज अम्बरा एंड इसमें से कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे और यहाँ पे एंड दिस इज नोन एज द पेनोप्रा राइट जो वाई एक्सिस का एरिया आ गया वाई जेड एक्स का एरिया आ गया देन uh, ये क्या आ गया पैनोप्रा और एक्स और जेड के बीच में जो एरिया आ गया दिस इज ऑल्सो पैनोप्रा एंड दिस इज एक्स और वाई के बीच में जो एरिया है दैट इज़ द्रा राइट तो so, यहाँ से आपने ही बताना है सो so, मैं नहीं बता रही हूँ राइट एस इफ़ द ऑब्जेक्ट गिवन विलो फॉर्म आ शेडो एंड राइट एन एस इफ़ डजेंट फॉर्म आ शेडो विंडो की शेडो होती है ये वाली ऐसी विंडो है जो बाहर की तरफ नहीं है और इसकी शेडो होती है मिरर की नो शेडो ट्री की शेडो होती है ये yes. डाइस की भी होती है वाटर की होती है वाटर इन ग्लास की शेडो होती है नो no, ग्लास की शेडो हो सकती है लेकिन वाटर की नहीं होती राइट right? ऐसे ही आप अपने घर पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखो जो शेडो फॉर्म कर रहे हैं उनका एक लिस्ट बना लो और जो नॉन शेडो नहीं जिनकी शेडो नहीं बन रही उनकी एक आ, लिस्ट बना लो फाइव फाइव ईच की बना लो एंड देन यू विल गेट Uh, कि कौन सी शेड ऑब्जेक्ट है और कौन सी नॉन शेड ऑब्जेक्ट है राइट सो थैंक यू अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थैंक यू स्टे स्टेफ स्टे सेफ स्टे हेल्दी कीप लर्निंग थैंक यू